पहुंचे हैं, क्या मामला हुआ? देखिए आज जो है हम लोग सी ऑफिस में पहुंचे हैं, मामला यह है कि एक व्यक्ति है उसे शराब के उसमें पुलिस प्रशासन अपना गुड वर्क लेने के लिए उसे बेगुनाह फंसाया जा रहा है। क्या नाम है? चमन है, थोल्ले से, थोल्ले फतेहपुर तीतरो थाना पड़ता है। आप ये बताइए मुझे, पुलिस प्रशासन जो सरकार के दबाव में आकर तानाशाही कर जो प्रशासन और गरीब वर्ग को दबकाने का काम कर रही है, क्या ये अच्छी बात है? आप बताइए कि पुलिस प्रशासन बाइक पे 3 व्यक्ति को लेकर भी जाती है और 50 लीटर शराब भी लेकर जाती है, जो गरीब को फंसाने का कार्य किया जा रहा है, और भट्टी भी और उपकरण भी बहुत सारी चीज़ लोगों ने पुलिस प्रशासन ने फंसाने का कार्य कर रही है, जो कि बीमार भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। घर से ले गए? हाँ घर से ले गए, दुकान पे परचून की दुकान कर रखी है उस बंदे ने, जीवन यापन करने के लिए बाइक पे। कल की बात है, कल सुबह 9 बजे दो कांस्टेबल आए थे बलूनपुर चौकी से। नाम बताया? एक कमल सिंह था, एक का नाम था। एक कमल सिंह है कांस्टेबल, दूसरे का एक होमगार्ड था उनके साथ में। किसी के थाना तीतरों में बात हुई है? बात तो नहीं, बात करने के लिए गए थे वहाँ पे। जिस टाइम हमारे कुछ गांव के मौजूदा लोग वहाँ पे बात करने के लिए गए, तो हमारी ये महिला मौजूद थी वहीं थाने में, तो इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनके साथ 50 लीटर के दो कैन लगाए गए शराब के, और कच्ची जो शराब बनाने के उपकरण होते हैं भट्टी जो होती हैं में लगाई गई है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, एक दलित परिवार, इतना गरीब परिवार है, वो अपना पालन पोषण एक परचून की दुकान के माध्यम से चला रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई विफलता छुपाने के लिए और कोई वो नहीं है, इसीलिए दलित परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मानसिक उन्हें उठा करके 50 लीटर शराब को, एक आप खुद बता सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल पे 50 लीटर शराब जा सकती है? नहीं, 50 लीटर शराब लेके जा सकता है कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पे, और वे भटिया ली जा सकता है? उस व्यक्ति को दुकान पर से उठाते हैं और ले जाकर तीतरो थाने में उसके साथ 50 लीटर शराब लगा के उसे जेल भेज दिया जाता है। हम ये चाहते हैं जो लोग इस प्रकरण में मौजूद हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा भीम आर्मी के लोग व आजाद समाज पार्टी के लोग इसे अपने स्तर से बखूबी निपटाना जानते हैं और वे आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होंगे। हम सरकार, ये अभी सीओ कार्यालय आए थे, सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर पूरी जानकारी लूँगा और इसमें तत्काल कार्रवाई होगी। कौन लोग थे घर पर? जब मैं मौजूद है, उनकी वाइफ थी और उनकी वाइफ के सामने ही वे उठाकर ले गए उसको, और जबकि वाइफ वहीं पे घर गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा कोई शराबी नशीला कोई पदार्थ नहीं था वहाँ पर, न दारू थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उठाकर लेकर कह दिया वाइफ को। हाँ वाइफ यहीं पे, और वो विकलांग है पैर से, और लेकिन पुलिस वाइफ को क्या कहा गया कि आप थाने में आ जाओ और वहाँ से बात करते हैं आने के। इनकी वाइफ भी साथ में। आपका नाम क्या है जी? संजय। क्या मामला हुआ है? अजी कुछ भी नहीं, ना दारू काटा था ना कुछ करा था, बस परचून की दुकान पर से ले गए ठहरा सर। आप हाँ, मौजूद थे वहाँ पे? हाँ जी, मैंने पूछा मगर जी किस बारे में ले जा रहे हैं, वहीं पता लगेगा, वहीं आ जाओ थाने में ही। तो हमें जाते जाते वार होगी, इतना उन्होंने भट्टी का केस उसके उस पर लगाया था अपनी, उसमें कार्ड का। क्या आदमी आए थे? दो जने थे, हल्के सिगरेट भी पी, उन पता ले आए थे मोटरसाइकिल पाए थे, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल पाए जी मोटरसाइकिल पाए थे मैं, और बल्कि वहाँ छोड़ने वाले आदमी भी थे, और रविंदर भी था, सुधीर भी था। मैं लग गया कहना कि भाई किस जुलम में ले जा रहे हैं, वहीं वहीं चलो थाने में ही। तो ना लेकर साप गई मैं, हमने पूछा भी मैं जी किस जुलम में ले जा रहे हैं, अब वहीं आ जाओ, वहीं पता लगेगा। तो मैं तो आप इस मामले को लेकर सीओ साहब के यहाँ आए? तो मैं सीओ साहब के यहाँ से अध्यमो को बुलाई, अपने आप खुद भी लेकर ना आई, तो मुझे कुछ इंसाफ तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? इन मेरे गरीब जाका था, बता छोटे छोटे जाका था, उन्होंने छोड़कर मैं यहाँ से आई। क्या आश्वासन दिया सीओ साहब? उन्होंने कहा कि जानकारी किए जाए, इस कार्रवाई इसकी जांच होगी। आप सरकार से क्या मांग करती है? न्याय की जी, क्या आपके प्रति जो भी उन्होंने कदम उठाया है गलत, न्याय हो, सच